दोस्तों यदि आपकी कोई भी दुकान है मार्केट में, ओके, या फिर आपकी मार्केट में दुकान नहीं है फिर भी आप सामान बेचना चाहते हो, दुकान है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, ओके। आप जो 12-13 घंटे दुकान पर बैठते हो वहां पर तो आप अपना सामान बेचेंगे और साथ में जब आप घर सो जाते हो तब भी आपका सामान ऑटोमेटिक बिकता रहेगा, ओके। तो यहां पर ऑनलाइन तो बिकेगा 24 आवर्स, ओके। मार्केट में जो आप बेचेंगे बैठकर वो अलग। यदि आपको मार्केट में दुकान भी नहीं करनी फिर भी आप घर से ही बैठकर दुकान चलाना चाहते हो अपनी, ओके, तो यहां पर उसका भी सोल्यूशन आपको मिलेगा, ओके। क्योंकि यहां पर अब आपका जो बिजनेस है, ओके, वो पूरा ऑनलाइन चला जाएगा। ऑफलाइन आपकी मर्जी है करना या ना करना, ओके, लेकिन ऑनलाइन आप लेकर जा सकते हो, ओके। अब दोस्तों यहां पर ये काम आप कैसे करेंगे थोड़ा इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखना, तो चलिए जानते हैं। अब दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ से दुकान नाम की एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, ओके, जिसमें आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो केवल 30 सेकंड के अंदर जो आपकी दुकान है वो ऑनलाइन हो जाएगी। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, डाउनलोड करना है, जो मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ उसको फॉलो कर लेना है बस, ओके। ज्यादा बड़ा काम नहीं है दोस्तों, यदि आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी होंगे जब भी आप इस काम को जो है कर लेंगे, बस वीडियो थोड़े ध्यान से देखना। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यदि आपको एप्लीकेशन ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी तो लिंक के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। अदरवाइज आप प्ले स्टोर में सर्च कर लेंगे। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद पहली बार ओपन करेंगे, इस तरीके से ये ओपन होगी, ओके। यहाँ पर आप करेंगे क्रिएट माय स्टोर पर क्लिक, आप अपना खुद का एक स्टोर जो है क्रिएट करेंगे, ओके। तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर पर अब आपके एक OTP आएगा जो आपको यहाँ पर फिल करना है, तो चलिए मैं डाल लेता हूँ। OTP डालने के बाद दोस्तों अगला पेज इस तरीके से ओपन होगा, ओके। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना बिजनेस नेम, ओके, जैसे मेरी एक कपड़ों की दुकान है गांव में, ओके, मेरे ताऊजी के लड़के की, जिसका नाम हमने रखा हुआ है अमिता गारमेंट, ओके। तो मैं यहाँ पे अपने शॉप का नाम मैंने डाल लिया अमिता गारमेंट्स। कहाँ पर है, इंडिया में है तो इंडिया रखेंगे, और यहाँ पर अब आप अपनी दुकान का जो है एड्रेस डाल लेंगे। एड्रेस डालने के लिए यहाँ पर आप जो है जो परमिशन मांगेगा लोकेशन की, इसको आप करेंगे अलाउ। यहाँ पर आपकी जो लोकेशन है वो आ जाएगी, आप इसको जो है एडजस्ट भी कर सकते हो, यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, यदि यहाँ पर गलत दिखा रहा है तो चेंज करके जो है आप यहाँ पर जो है एक एक चीज पूरी करेक्ट डाल लेंगे, ओके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर करेंगे आप सेव एड्रेस पर क्लिक, अब आपकी जो दुकान है उसका एड्रेस जो है सेव हो चुका है, एड्रेस आपको बिल्कुल करेक्ट डालना है, चीज का ध्यान रखना है, ओके। इसके बाद यहाँ से आप करेंगे इसको फिनिश। अब दोस्तों फिनिश करने के बाद अगला पेज एप्लीकेशन का इस तरीके से खुलेगा। अब यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि स्टोर सक्सेसफुली क्रिएटेड, स्टोर हमारा बन चुका है एप्लीकेशन के अंदर। कितना टाइम लगा है दोस्तों, कुछ भी तो टाइम नहीं लगा है ना, ओके, और कितना आसान भी है, आप सभी लोग देख ही रहे हो। अब यहाँ पर आपको करना है कंटिन्यू, इसको करना है अलाउ। इसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना प्रोडक्ट ऐड करना है, आपका प्रोडक्ट क्या है, जैसे मेरी कपड़ों की दुकान है तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर जो है कपड़े ही ऐड करूंगा। यदि आपके कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम जो है ऐड करेंगे, ग्रोसरी की शॉप है, किराने की शॉप है, तो आप जो है किराने का सामान ऐड करेंगे। जिस चीज की आपकी दुकान है या फिर जो आप घर बैठे बैठे बेचना चाहते हो, दुकान भी नहीं खोलना चाहते हो अपनी मार्केट के अंदर, किराने ही देना चाहते हो किसी को, तो यहाँ पर आप जो है कितने ही आइटम ऐड करके उनको जो है अपना स्टोर बनाकर अलग अलग जो है उनको बेच सकते हो। अब चलिए दोस्तों ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऐड करनी है प्रोडक्ट इमेज, तो आप यहाँ पर करेंगे क्लिक और यहाँ पर इसको करेंगे अलाउ अलाउ। अब यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट पिक्चर भी ले सकते हो जो आपकी दुकान में आइटम है उसका, या फिर आप जो है गैलरी में पहले से जो आपके फोटो है वो उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं कर लेता हूँ वो भी गैलरी, मैंने जो है फोटो ले रखी है, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ब्लैक टी शर्ट को सिलेक्ट। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर मैंने एक इमेज सेट किया है केवल डेमो के लिए, आप यहाँ पर 8 इमेज तक सेट कर सकते हो, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से अलग अलग एंगल में, ओके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चूज कैटेगरी, तो चूज कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी, न्यू कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ऐड कैटेगरी इमेज, आप कैटेगरी की कोई इमेज भी सेट कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पर जो है नेमिट डाल लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ क्लोथ। इसके बाद करते हैं क्रिएट, इसके बाद यहाँ पर आता है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम में जाएंगे, यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ टी शर्ट। इसके बाद यहाँ पर इसका MRP हम रखते हैं इसकी 500 रुपये। इसके बाद सेलिंग प्राइस ये रखते हैं 450 रुपये। इसके बाद यहाँ पर जो है पीस वाइज है, या फिर किलोग्राम, ग्राम, लीटर, जो आपका ये आइटम है ये किस चीज़ में रहता है, जैसे कि जो कपड़े हैं वो तो पीस में रहते हैं, ओके, तो यहाँ पर पीस कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल आती है दोस्तों, ओके, तो प्रोडक्ट डिटेल में
आप जो है डाल सकते हो जो भी आपको डालना है। ओके, जैसे मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर ब्लैक टी शर्ट। इतना काम करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऐड साइज कलर आता है, ऐड साइज कलर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आता है साइज, तो साइज में यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ, ये है अभी मेरे पास एक्सल। ओके, यहाँ पर कलर, कलर यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ब्लैक है, तो ब्लैक सिलेक्ट सेट कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये सेट हो चुका है, अब यहाँ पर करेंगे ऐड प्रोडक्ट पर फाइनली क्लिक। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, और इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारा प्रोडक्ट था वो ऐड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ से आप अपने स्टोर को शेयर कर सकते हो डायरेक्ट ही। ओके, शेयर लिंक ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर कहीं भी ओके अपने लिंक को शेयर कर सकते हो। जो भी बंदा इस लिंक पर क्लिक करेगा वो डायरेक्ट आपके स्टोर पर चला जाएगा। अभी आपको पूरा डेमो करके दिखाऊंगा। ओके, इसके बाद दोस्तों जैसे कि ये आपने प्रोडक्ट बना लिया था, ओके ऐड कर लिया, अगर आपको और प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो आप चले जाएंगे यहाँ पर कैटलॉग में और यहाँ पर ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। ओके, और फिर ऐसे सेम प्रोसेस रहेगा, इमेज कैटेगरी प्रोडक्ट नेम एमआरपी सेलिंग पीस ओके उसका साइज और कलर, फिर आप उस प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे। तो ऐसे जितने भी आपके शॉप पर प्रोडक्ट है ओके, जितने भी आप बेचना चाहते हो कैसे भी, वो सभी आप यहाँ पर ऐड न्यू प्रोडक्ट पर जाकर बार बार करके जो है ऐड करते चले जाएंगे। मान लीजिए अब दोस्तों इस प्रोडक्ट को आप शेयर करते हो सोशल प्लेटफॉर्म पर, आप कहीं भी यहाँ पर शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है, शेयर कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ से आप। ओके, तो वहां से कोई इस प्रोडक्ट को यदि खरीदता है तो वो किस तरीके से खरीदेगा वो आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने ये टी शर्ट को अपने फ्रेंड के पास शेयर किया ओके व्हाट्सएप पर, तो यहाँ पर वो जो है मैसेज मेरे फ्रेंड पर आ चुका है। अब यहाँ पर वो करेगा इस पर क्लिक लिंक पर। ओके, चलिए लिंक पर क्लिक कर दिया है। लिंक पर क्लिक करने के बाद अब सीधा ये जो हमारा स्टोर होगा वो यहाँ पर ओपन जो है हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो मेरा फ्रेंड होगा वो इस टी शर्ट को देखेगा। ओके, इसका प्राइस देखेगा, इसका साइज देखेगा, यहाँ पर कलर भी देखने को मिल जाएगा, और इसके बाद इसको करेगा बाय नाउ पर क्लिक। जैसे वो बाय नाउ पर क्लिक करेगा यहाँ पर आएगा प्रोसीड टू चेकआउट, वो यहाँ पर क्लिक कर देगा। उसके बाद यहाँ पर एक उसके नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, तो यहाँ पर वो नंबर डाल लेगा अपना और वेरिफिकेशन कोड को जो है मंगाएगा। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले वो अपना नेम डालेगा। ओके, जो भी उसका नेम है, जैसे मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस, किस एड्रेस पर उसे ये टी शर्ट जो है मंगवानी है। ओके, तो यहाँ पर चलिए एड्रेस डाल लेते हैं। एड्रेस डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है सिटी, यहाँ पर पिन कोड, और दोस्तों यहाँ पर अब कैश यूपीआई या फिर ऑन डिलीवरी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है कैश यूपीआई ऑन डिलीवरी। ओके, इसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो योर ऑर्डर इज सक्सेसफुल। ओके, हमारे दोस्त ने प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमें ऊपर से एक नोटिफिकेशन मिल चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो ओके न्यू ऑर्डर रिसीव्ड। ओके, और एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, साथ ही साथ यदि आप जाएंगे ऐप में तो ऐप में भी आपको जो है यहाँ पर ऑर्डर पर एक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर वन आ जाएगा लिखा, क्योंकि एक ऑर्डर हमारा हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिटेल है इस ऑर्डर की, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर करेंगे इसको एक्सेप्ट। ओके, और यदि आपको लगता है कि ये आइटम अब हमारे जो है स्टॉक में नहीं रहा है, किसी ने लेट जो है इसको ऑर्डर किया है, तो यहाँ से आप डिक्लाइन भी कर सकते हो और उसके पास जो है मैसेज चला जाएगा अगले बंदे के पास कि आपने डिक्लाइन कर दिया है। अब यहाँ से हम इसको करेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के बाद यहाँ पर यस एक्सेप्टेड। अब दोस्तों यहाँ पर आप जाएंगे ऑर्डर पर। ओके, ऑर्डर पर यहाँ पर आपका ये ऑर्डर आपने किया, इसके डिटेल में जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अब यहाँ से करेंगे इसको शिप। ओके, शिप ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस शिप इट। अब दोस्तों बस आपको इतना ही करना है, अब ये जो ऑर्डर था ओके जिसने जो है मंगाया ये सामान उस तक जो है पहुंच जाएगा। तो दोस्तों कितना टाइम लगा है और हमने जो है टी शर्ट भी बेच दिया है। अब दोस्तों जो दूसरा बंदा होगा उसके पास भी इस तरीके मैसेज आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, दुकान ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर एक्सेप्टेड, ऑर्डर शिफ्ट। ओके, यहाँ पर उसको पूरा स्टेटस मिलता रहेगा वाया व्हाट्सएप। ओके, व्हाट्सएप पर यहाँ पर एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन उसके पास जाती रहेगी कि आपका ऑर्डर शिफ्ट हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। ओके, और यहाँ पर देख सकते हो आप शिफ्ट आ चुका है, और जिस दिन ये डिलीवर होगा उस दिन भी आपको जो है यहाँ पर जो है व्हाट्सएप पर ही आपके इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बहुत अच्छी सर्विस है दोस्तों। ओके, इसको आप जो है एक बार जरूर ट्राई करें एप्लीकेशन को, यदि आपको अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर जाना है। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा आपको मार्केटिंग का। मार्केटिंग में दोस्तों
जो आपका स्टोर है आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। ओके, जैसे बिजनेस कार्ड उसका बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप उसका बिजनेस कार्ड जो है आप देख सकते हो, ऑटोमेटिक बन जाता है इसका बिजनेस कार्ड, और यहाँ से जो है शेयर कर सकते हो उसको बिजनेस कार्ड को। यहाँ पर आपका स्टोर बैनर भी अपने आप ही बना देती है ये एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा स्टोर बैनर जो है यहाँ पर बन गया है। तो यहाँ से आप ये इनको शेयर कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों व्हाट्सएप स्टोरी पर भी आप इसको सेट कर सकते हो। जैसे होम डिलीवरी, आप अब हमारे दुकान से आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करें, जो भी इस लिंक पर क्लिक करेगा वो डायरेक्ट ही स्टोर पर चला जाएगा आपके, और वहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट आपने ऐड किए होंगे दुकान में उसको पूरी दुकान आपके दिखाई दे जाएगी ऑनलाइन, और वो कुछ भी खरीद सकता है फिर। ओके, आप इसको स्टोरी पर शेयर कर सकते हो अपने व्हाट्सएप के डायरेक्ट ही, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ पर देख सकते हो व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप पे यहाँ पर माई स्टेटस दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आपके स्टेटस पर सेट हो जाएगा ये। ओके, तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल की चीज़। यहाँ पर आप अकाउंट में जाके दोस्तों आप अपना जो बिजनेस है उसके डिटेल्स को एडिट कर पाएंगे। डिलीवरी चार्ज भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। ओके, जब आपने उसको शिफ्ट किया तो आप उससे कितना डिलीवरी चार्ज लेना चाहते हो, 50 रुपये। ओके, यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है जो फ्री डिलीवरी अबो। ओके, यदि 500 रुपए से ऊपर की कोई शॉपिंग करता है हमारे स्टोर से तो उसकी डिलीवरी हम फ्री दे रहे हैं। ओके, इस तरह के यहाँ पर आप सेव कर सकते हो, उसको सेट कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आप व्हाट्सएप चैट सपोर्ट को ऑन ऑफ कर सकते हो, और दोस्तों यहाँ पर आपके जो है ऑर्डर जो पेंटिंग है वो दिखाई जाएंगे, जो आपने एक्सेप्ट कर लिए है वो दिखाई जाएंगे, और जो शिफ्ट हो चुके हैं ओके वो दिखाएंगे, जैसे ये अभी हमने शिफ्ट कर दिया है। ओके, तो दोस्तों देखा आपने थोड़ी सी देर में ही आपने अपनी पूरी दुकान को ऑनलाइन कर दिया है, और अपना आपने यहाँ पर जो है दुकान बना ली है अपनी एक, जिससे आप ऑनलाइन सामान अब बेच सकते हो। ओके, तो आप इस प्रोसेस से दोस्तों अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जा सकते हो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को नया मिला होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लिंक इससे रिलेटेड दिए हुए हैं आपको, आप उसको फॉलो कर सकते हो और अपनी दुकान जो है ऑनलाइन लेकर जा सकते हो।